नमस्कार, मैं प्रीति और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज। आई नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। जौनपुर के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने मड़ियाहू स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण। वाराणसी के भेलूपुर थाना अंतर्गत रविंद्रपुरी क्षेत्र के 80 नाले के पास लगी भीषण आग। SI खुशबू परमार का वीडियो हो रहा है वायरल। ये थी अब तक की बड़ी खबर, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले रुख करते हैं आज की तमाम बड़ी सुर्खियों पर। नहीं रहे रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष स्वामी स्मरणानंद महाराज, PM ने जताया शोक। CM योगी शुरू करेंगे प्रचार अभियान, 15 जिलों में पार्टी के लिए करेंगे सभाएं। BJP के अध्यक्ष JP नड्डा से मिली BJP उम्मीदवार कंगना रनौत। पूरा विश्वास है वरुण गांधी पार्टी के साथ रहेंगे, UP BJP के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा। हुक्का बार रेड में पकड़े गए मुनव्वर फारूकी, मुंबई पुलिस ने लिया हिरासत में। दुनिया का सबसे मजबूत इंश्योरेंस ब्रांड बना LIC। पहली बार मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में नजर आएगा सऊदी अरब, मॉडल रूमी लेंगी हिस्सा। राजधानी दिल्ली में होली पर शराब पीकर गाड़ी चलाना पड़ा महंगा, 800 से अधिक चालान काटे गए। नेपाल की मेयर की बेटी गोवा में लापता, पुलिस ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। वे हिमाचल की बेटी हैं, अभद्र टिप्पणी मामले में कंगना को मिला विक्रमादित्य सिंह का साथ। तो ये रही अब तक की सुर्खियां, आइए विस्तार से चर्चा करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। जौनपुर के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने मड़ियाहू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया औचक निरीक्षण। स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों में मचा हड़कंप। इनका निरीक्षण किया, क्या कमियां मिली? देखिए, आज हमने यहाँ तहसील मड़ियाहू और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। पहले मैं वहाँ गया था और उससे पहले मीरा अल्ट्रासाउंड सेंटर, वो CSC के गेट पे ही है एक तरीके से, उससे 50 मीटर की दूरी पे है। और फर्जी सेंटर एक चल रहा था, उसमें जो अनट्रेन लड़के हैं वो अल्ट्रासाउंड कर रहे थे। और इस प्रकार के ही अनट्रेन जो लोग हैं, जिनके कारण गलत रिपोर्टिंग देने के कारण कई बार बड़े प्रसूताओं की मौत भी हो जाती है, मातृ मृत्यु दर भी ये लोग बढ़ाते हैं, और इस प्रकार का फर्जी काम वो कर रहे थे, तो उसको मैंने तत्काल सील कराया है और उसमें SDM और नोडल ACMO को FIR कराने के निर्देश दिए हैं, वो गिरफ्तार भी हो गया। सर, दूसरा CSC को देखा गया, CSC की भौतिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो व्यवस्थाएं थी और इलाज जो हो रहा है, तो उससे जहाँ पब्लिक के लोग थे उनसे मैंने फीडबैक लिया था, तो वो संतुष्ट थे। और जितनी चीज़ें मैंने देखी, तो इक्विपमेंट और मेडिसिन्स हैं और डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है, मैन पावर है, वो पर्याप्त है। बिल्डिंग की स्थिति ठीक नहीं, उसको हम लोग ठीक कराएंगे, उसमें CMO की जिम्मेदारी तय करेंगे। और तहसील का निरीक्षण अभी किया है, और तहसील में भी चूँकि स्पेस कम है, लोग ज़्यादा हैं, और जितने पब्लिक के लोग आते हैं, चाहे खतौनी में आते हों या बाकी आते हैं, तो उनके सही बैठने की व्यवस्था हो, वो सारी चीज़ें दुरुस्त हों, उसके लिए मैंने यहाँ के SDM और तहसीलदार को निर्देश दिया है। मुझे उम्मीद है कि अगले 15 दिन में यहाँ पे और व्यवस्थाएं अच्छी हो जाएंगी। सर, जौन मड़ियाहू में कई ऐसे जो जिससे अल्ट्रासाउंड है, जिनका लाइसेंस नहीं, हॉस्पिटल है, ये केवल मड़ियाहू में नहीं, ये पूरे जनपद में होंगे अलग अलग जगह पे, और तो इसीलिए हमने इस प्रकार का निरीक्षण किया। अब आगे भी हम अपने SDMs को और मेडिकल डिपार्टमेंट की टीम को लगा के इसको कराएंगे। ये लोगों की जान से खेलने वाला काम, अगर आप भी एक आम आदमी के रूप में इस प्रकार के फर्जी अल्ट्रासाउंड सेंटर में, डायग्नोस्टिक सेंटर में चले जाएंगे, मान लीजिए कोई बीमारी है, गलत रिपोर्ट बना के दे दिया, आप निश्चिंत होकर घर में बैठ गए, और उसके बाद में वो बीमारी जब अगर बड़ा रूप ले ले, तो फिर वो रोगी के साथ में कितनी बड़ी दिक्कत कर सकती है। इसलिए मैं लोगों से भी अपील करूंगा, इस प्रकार के जो फर्जी सेंटर है जरूर चेक कर लें, डॉक्टर जो जहाँ पे सही अवेलेबल होते हैं, डॉक्टर से ही अपना इलाज कराएं, उनसे ही अपनी जांचें कराएं, क्योंकि इन जांच रिपोर्ट के आधार पर ही फर्दर इलाज होता है। अगर गलत जांच रिपोर्ट कोई व्यक्ति दे देता है, तो उसमें भविष्य में नागरिक के साथ दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे फर्जी डॉक्टर से, फर्जी डायग्नोसिस सेंटर से, अल्ट्रासाउंड सेंटर से दूर रहें। थैंक्स। वाराणसी के भेलूपुर थाना अंतर्गत रविंद्रपुरी क्षेत्र के 80 नाले के पास झुग्गी झोपड़ी में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। होली पर लोगों को 4 बजे के बाद घर में रहने की चेतावनी देते समय SI खुशबू परमार का वीडियो हुआ वायरल, तो हो गई कार्रवाई। होली कई लोगों के लिए रंगों का त्योहार है, तो कईयों के लिए हुड़दंग मचाने का बहाना। रंग खेलने के नाम पर गली मोहल्लों का माहौल खराब करना आम बात है। इसे रोकने के लिए होली के दिन शासन प्रशासन को मुस्तैद रखा जाता है, लेकिन कभी कभी ये मुस्तैदी भारी भी पड़ जाती है, जैसा इंदौर की एक महिला सब इंस्पेक्टर के साथ हुआ है।
उन्होंने लोगों को चेतावनी देते हुए लठमार होली का आयोजन करने की बात कर दी। वृंदावन वाली लठमार होली नहीं बल्कि पुलिस वाली लठमार पिटाई। ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित लसूरिया थाना क्षेत्र का है। रिपोर्ट के मुताबिक लसूरिया थाने में एक सब इंस्पेक्टर पोस्टेड है, नाम है खुशबू परमार। होली के दिन एसआई खुशबू इलाके में भ्रमण के लिए निकली थी, ये जानने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं। लोगों को अपनी गाड़ी में बैठे बैठे वो कुछ सूचना दे रही हैं, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। जनता से निवेदन है, आचार संहिता का ध्यान रखें, अपने अपने घर चले जाएं। 4 बजे तक होली खेलने का समय निर्धारित किया गया था, अपने घर पर रहें वरना पुलिस द्वारा लठमार होली का आयोजन किया जाएगा। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें वी एक्सपर्ट न्यूज। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।